ए जमीन और आसमान के मालिक, तुम हमारे दिलों को एक समंदर कर दो। हमारी मोहब्बत का सूरज रोज ज्यादा रोशनी के साथ तुलो। हम हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें, साथ जी और साथ मरे। आमीन। शुक्र है खुदा का कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना कि मैं। बीच में कुछ डर गया था तुम्हारे बिहेवियर से। क्यों डर गए थे? मुझे लगा था तुम शादी के लिए किसी और का इंतखाब कर लोगी, और हिदा अगर ऐसा होता ना तो जान ले लेते क्या उस बेचारे की। हाँ, उसकी भी और अपनी भी। अपनी क्यों? बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और के बारे में सोचो भी। मैंने आपके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा सर। तुम किसी और के बारे में सोचोगी भी नहीं, मेरे मरने के बाद भी नहीं। अल्लाह ना करे साहिब, आपको कुछ हो, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी ना, कब्र से निकल आऊंगा, जान से मार दूंगा अपने रकीब को। उफ, कितने पजेसिव हैं आप। तो ऐसा ही बेटा, तुम सिर्फ मेरी इस दुनिया में भी और उस दुनिया में। चाह तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से। रऊफ भाई, जैसा मैंने अरेंजमेंट कहा है मुझे वैसा ही चाहिए। फूल कम पड़े क्या मतलब? देखिए, कहीं से भी अरेंज करें मुझे नहीं पता, मुझे वही चाहिए जो मैंने आपको कहा है। बात होगी खत्म जी, मैं खुद ही आगे देखूंगा। मैं देखूंगा बिल्कुल, और फिर कमी बेशी हुई ना ये अच्छी बात नहीं होगी। फिर चले चले, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया आपको साहब? क्या सारे शहर के फूल इकट्ठे करेंगे? सारे शहर के नहीं, सारी दुनिया के फूल इकट्ठे करके तुम्हारे कदमों तले बिछा दें। वैसे एक काम अच्छा हो गया, आज शॉपिंग में इतना टाइम नहीं लगा, एक ही डिजाइनर के पास तुम्हारा जोड़ा भी मिल गया, मेरा ड्रेस भी मिल गया। अब बचा ब्यूटी पार्लर, तो सुनो मैं ड्रॉप करूंगा, मैं पिक करूंगा। तुम तैयार होगी तो मुझसे पहले तो कोई देख नहीं सकता।